नमस्कार, आप देख रहे हैं Ghamasan.com। मैं हूं आपके साथ दीक्षा भारप्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड टाइगर डे के मौके पर अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट 2018 जारी की। पीएम मोदी ने कहा कि 3000 बाघों की संख्या के साथ भारत सबसे सुरक्षित स्थान है। विश्व में भारत की एक ऐसी जगह है जहां सबसे अधिक सुरक्षित और आजाद बाघ हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देश में 506 बाघ के साथ मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, जबकि कर्नाटक 504 बाघ के साथ दूसरे स्थान पर है। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा दिया है। गौरतलब है कि बाघों के संरक्षण को लेकर अनदेखी करने के कारण 4 साल पहले मध्य प्रदेश से टाइगर स्टेट का दर्जा छीनकर कर्नाटक को दे दिया गया था। मध्य प्रदेश सरकार के एक अनुसंधान संस्थान के आकलन के अनुसार पिछले कुछ सालों में बाघों के पुनर्वास के लिए किए गए कार्यों के चलते प्रदेश में बाघों की संख्या में अच्छा खासा इजाफा होने की उम्मीद है। इधर दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में पीएम ने कहा कि सेंट पीटर्सबर्ग में बाघों की संख्या 2022 तक दोगुनी करने का लक्ष्य तय किया गया था। हमने 4 साल पहले ही ये लक्ष्य हासिल कर लिया। पीएम मोदी ने कहा कि देश और दुनिया में बाघों की घटती संख्या परेशानी का कारण था। फिलहाल देश में बाघों की संख्या लगभग 3000 है। पीएम मोदी ने कहा कि बाघों की संख्या बढ़ने से देश को फायदा मिलेगा। बाघ बढ़ेंगे तो पर्यटन भी बढ़ेगा। पीएम मोदी द्वारा जारी किए गए अखिल भारतीय बाघ अनुमान में बताया गया है कि अभी देश में कुल 2967 बाघ हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2014 के मुकाबले देश में 741 बाघों की संख्या बढ़ी है। 2006 में भारत में 1411 बाघ थे, 2010 में 1706, 2014 में 2226 बाघ थे और 2018 में 2967 बाघ देश में मौजूद हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।